मुलायम सिंह यादव इकलौते रक्षा मंत्री जिनसे कांपता था पाकिस्तान और खौफ खाता था चीन। मुलायम सिंह ने रक्षा मंत्री रहते हुए ऐसी नीतियां बनाई कि बॉर्डर पर हिंदुस्तान का बजने लगा था डंका। देश के सैनिकों के सम्मान में नेताजी ने बदल दिया था एक ऐसा कानून जिसका एहसान आज तक मानते हैं देश के सैनिक और शहीदों के परिवार। नेताजी के फैसलों पर हर यादव को होता है गर्व। आप सुनेंगे तो शान से चौड़ा हो जाएगा आपका भी सीना। नेताजी के रहने और न रहने के बाद आज भी एक नारा हवाओं में गूंज रहा है जिसका जलवा कायम है, उसका नाम मुलायम है। नेताजी की शख्सियत ही ऐसी थी कि उनके कदमों की आहट से विरोधी तो विरोधी देश के अंतर्राष्ट्रीय दुश्मन तक चाल बदल लेते थे। नेताजी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली तो ऐसे फैसले किए जिन्हें सुनकर हर यादव का सीना चौड़ा हो जाता है, लेकिन जब नेताजी रक्षा मंत्री बने तो उनकी साख ऐसी थी कि देश का सबसे बड़ा दुश्मन चीन भी खौफ खाने लगा था और पाकिस्तान डर से कांपने लगा था। नेताजी ने कुछ ऐसे फैसले किए कि LOC और LAC दोनों सीमाओं पर देश का डंका बजने लगा था। जो चीन बात बात पर अब आंखें दिखाता है वो नेताजी के कार्यकाल के दौरान भारतीय सीमा से हटकर 4 किलोमीटर पीछे भागकर दुबक गया था। और नेताजी जब तक रक्षा मंत्री रहे चीन ने आंख उठाकर भी भारत की तरफ नहीं देखने की हिम्मत की। और तो और जिन सैनिकों के परिवार के लोग अपने करीबियों को अंतिम समय में देखने के लिए तरसते थे उनके लिए नेताजी ने देश का कानून तक बदल दिया और हर शहीद सैनिक को वीर गति के बाद सम्मान ढंग से उसके जन्म स्थान तक पहुंचाने का फैसला किया। नेताजी का ये फैसला इतिहास बन गया और लोग आज भी इस फैसले के लिए उनका एहसान मानते हैं। नेताजी ने जब रक्षा मंत्रालय संभाला तो उन्हें पता चला कि शहीद सैनिकों के घर उनकी टोपी और बेल्ट ही जाती है, तो नेताजी ने उनके पार्थिव शरीर को ससम्मान घर तक पहुंचाने का इंतजाम किया। ये फैसला आज भी गौरवान्वित करता है। सिर्फ ये एक फैसला ही नहीं, और भी तमाम ऐसे फैसले हैं जो नेताजी के शासनकाल में लिए गए और ये सारे फैसले लोगों के जीवन में मील का पत्थर साबित हुए। नेताजी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके ये फैसले आज भी किसी न किसी रूप में हमारी मदद कर रहे हैं और परेशानियों में मदद का जरिया बनते हैं। सैफई आज भी गम में डूबा है और समर्थक उनको भुला नहीं पा रहे हैं, लेकिन नेताजी अपने फैसलों के रूप में हमारे बीच आज भी बने हुए हैं। मुलायम सिंह यादव का कद भले ही छोटा था, लेकिन उनकी दूरदर्शी सोच ने वो कर दिया जो उन्हें आसमान से भी ऊंचा बना गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।